गाइज वेलकम टू बैक माई चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो गाइज जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से देख लेते हैं, तो पढ़ लेते हैं नोटिफिकेशन। सो इस विश्वविद्यालय की वर्ष 2020-21 मुख्य तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्नातक प्रथम द्वितीय एवं चतुर्थ सेमिस्टर्स, ठीक है, स्नातक प्रथम द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर व्यावसायिक पाठ्यक्रम BTech या BPharma षष्ठम सेमेस्टर तथा PG प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर बैक पेपर की परीक्षाएं माह सितंबर 2021 द्वितीय सप्ताह में होनी प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त राजकीय या वित्त पोषित महाविद्यालयों एवं संबद्ध निजी संस्थानों में बैक पेपर परीक्षार्थियों की संख्या काफ़ी कम होने के कारण एवं कोविड संक्रमण को देखते हुए समस्त केंद्रों पर परीक्षाओं का आयोजन किया जाना संभव नहीं है। इस हेतु विश्वविद्यालय ने बैक पेपर की परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु निम्न परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए महाविद्यालय के नाम है निर्धारित परीक्षा केंद्र। अगर आपका जो महाविद्यालय है, सपोज राजकीय महाविद्यालय गोपेश्वर, जोशीमठ, नागनाथ पोखरी, गैरसन, तलवारी, कर्णप्रयाग, जखोली, रुद्रप्रयाग, अष्टमी, देवपुरी, नैखरी, पोखरण, इनका सबका जो परीक्षा केंद्र है वो कौन सा रहेगा? बिरला परिसर, श्रीनगर, गढ़वाल। राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार, ठीक है, और आपका चौबट्टा खाल, वेदी खाल, थैलीसैन, नैनी डांडा, सतपुली, जहरी खाल, इनका सबका परिसर है BGR परिसर पौड़ी में। राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसोन, उत्तरकाशी, नई टिहरी का जो है SRT जो कैंपस है परिसर बादशाही थौल में, ठीक है। और राजकीय महाविद्यालय लम्बगांव, अगरोड़ा और धारमंडल का बाल गंगा महाविद्यालय है सेंदूर कैम्बर में। राजकीय महाविद्यालय पुरोड़ा, त्योणी, नैनबाग, बड़कोर, चक्राता, डोईवाला, डाकपत्थर, MKP PG कॉलेज, SGRR PG कॉलेज, DVS PG कॉलेज एवं समस्त निजी संस्थान देहरादून, ठीक है, PSC या MSc एग्रीकल्चर को छोड़कर। तो इन सब का जो है सेंटर पड़ा है DAV PG कॉलेज देहरादून का, ठीक है। और देहरादून समस्त BSc या MSc एग्रीकल्चर जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इन सब का जो पड़ा हुआ है डॉल्फिन PG इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड नेचुरल साइंस देहरादून में। राजकीय महाविद्यालय लक्सर, हस्त विद्या मंदिर ICU लक्सर का गर्ग डिग्री कॉलेज लक्सर में पढ़ा है। दून इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, श्यामपुर ऋषिकेश, मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डालवाला ऋषिकेश का, इनका जो पढ़ा है OIM टेक्नोलॉजी ऋषिकेश में। हरिद्वार एजुकेशन महाविद्यालय, सतीकुंड, कनखल, चिन्मयी डिग्री कॉलेज, PRC महाविद्यालय, ये पढ़ा आपका SMJN PG कॉलेज हरिद्वार में। और धनौरी डिग्री कॉलेज धनौरी, कुंती नमन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा टेक्नोलॉजी हरिद्वार, RMC कॉलेज नारसन, व्यापार मंडल कन्या डिग्री कॉलेज मंगलौर, रुड़की, समस्त वित्त पोषित एवं स्वावित्त पोषित संस्थान इनका जो है BSM PG कॉलेज रुड़की। तो ये जितने कॉलेज हैं गाइज, अगर इन कॉलेजों में आपका जो है आपने एडमिशन ले रखा, तो इनका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपका यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। सपोज आप मैं बात करूँ, अगर आप चलो ठीक है, आप कर्णप्रयाग डिग्री कॉलेज में आप जो है अध्ययनरत छात्र हैं, रेगुलर छात्र हैं, तो आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर जो पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा? पौड़ी गढ़वाल में। तो ये तो था नोटिफिकेशन इसका कि आपका जो बैक पेपर है स्नातक प्रथम द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर और BTech एवं BPharma षष्ठम सेमेस्टर और PG का प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की जो बैक परीक्षाएँ हैं, ठीक है। उसके बाद डेट शीट भी आ चुकी है बैक पेपर की, ठीक है। तो देखिए बैक पेपर की डेट शीट, यहाँ पे डेट शीट देख लेते हैं। तो 13 तारीख से यहाँ पे पेपर स्टार्ट है, मंडे को आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर का है, फिलोसफी या साइकोलॉजी का है, ठीक है। उस दिन BSc BCom का नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, ये बैक पेपर का है केवल, ठीक है। बैक पेपर एग्जामिनेशन शेड्यूल है, ये मेन पेपर नहीं है, ठीक है। तो ट्यूसडे को है 14 तारीख को एंथ्रोपोलॉजी एजुकेशन का, उस दिन BSc फर्स्ट सेमेस्टर का भी है, एंथ्रोपोलॉजी डिफेंस भी है। 15 तारीख को जो है BA फर्स्ट सेम का स्टैटिक्स या म्यूजिक है, उस दिन BSc का भी स्टैटिक्स रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर का। उसके बाद ड्राइंग एंड पेंटिंग्स है, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी है, जियोग्राफी जो BA फर्स्ट सेम का और BSc फर्स्ट सेम का जियोग्राफी या कंप्यूटर साइंस रहेगा, BCom फर्स्ट सेम का फाइनेंशियल अकाउंट वहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आपका जिस
सब्जेक्ट में भी बैक है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर्स में। तो ये एग्जामिनेशन जो है आपका जो है उस दिन होना है, ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर्स का है। इसी तरह से आप सेकेंड सेमेस्टर का देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसी तरह से सेकेंड सेमेस्टर के बाद आप देख सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर्स का भी यहाँ पे। अगर आपकी फोर्थ सेम में बैक है तो आप बैक पेपर दे सकते हैं, ये बैक पेपर का ही एग्जामिनेशन शेड्यूल है। तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। सो गाइज आपको क्या करना है, देखिए, ठीक है, आपको करना क्या है, बैक पेपर का एग्जामिनेशन फॉर्म भर आजकल भरे जा रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। तो जिस सेमेस्टर में आपके जो है एग्जामिनेशन बैक लगी है आपका, उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आप क्या होगा, यहाँ पे आपके जो बैक पेपर के यहाँ पे एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो ये बैक पेपर के एग्जाम्स है। सो गाइज HNB ने आपको एक और मौका दिया है, ठीक है, इसके बाद अगर आप जो है इसको भी मिस कर देंगे तो आपकी जो है बैक होगी वो क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं।